सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते नक्सल के साथ। विश्व का ये है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष DYSP है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जनसेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित DYSP पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी समर्पण एवं परित्राणाय साधु नाम के दिए वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए DYSP अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस इस टुकड़े की कमान संभाली है DYSP संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ है महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है और इस दस्ते की कमान संभाली है DYSP संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही है मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारत वर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते BSF और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट जिसमें है BSF की गुजरात पंजाब दिल्ली रेजिमेंट के जवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई गुजरात फ्रंटियर BSF, सब इंस्पेक्टर TS बराड़ी सेंट्रल बैंड मास्टर BSF गुजरात पुलिस के बैंड टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी वडोदरा ग्राम्य ने। और अब इस भव्य परेड के बाद आपके समक्ष उपस्थित है यशस्विनी। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक
मेघालय शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित है। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपेडिशन की महिला कार्मिक, रास्ते में महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। सीआरपीएफ की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण, देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलि देवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, बल्कि महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की। ये है सीआरपीएफ की और हमारे भारत देश की यशस्विनी। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। देश की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर ये स्त्री शक्ति, ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है। ये है सीआरपीएफ की वीरांगना और अब सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल्स के द्वारा ये कर्तव्य। जिसमें सबसे पहले आ रही है सलामी मंच की ओर आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडेंट सीमाना। नारी शक्ति को नमन। 2 वीरांगनाओं द्वारा ये है एक विशेष प्रदर्शन, ये कर रही है नारी शक्ति को नमन। और अब एकता का प्रतिबिंब हमारी वीरांगनाएं आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की प्रेरणा मूर्ति पूज्य सरदार के चरणों के समीप एकता का प्रतिबिंब लेकर हमारी वीरांगनाएं लक्ष्य प्राप्ति की ओर अधिक है। सीआरपीएफ की ये यशस्विनी लक्ष्यता हमारा कर्तव्य और हमारी कटिबद्धता, देश के हैं हम रक्षक। सीआरपीएफ का देश को प्रतिबद्धता जो है सर्वत्र सुरक्षा। और अब हर एक क्षेत्र में आसमान को छूने वाली ये नारी शक्ति जो कह रही है क्षितिज की भोर हमारी है, यह आकाश हमारा है और उड़ान की सीमा भी हम ही तय करेंगे। छू लो आसमान एयर कॉन्स्टेबल संगीता के द्वारा। और अब है मातृभूमि के प्रति इनकी प्रतिबद्धता एवं संकल्प दर्शाते हुए देश के हम है रक्षक सीआरपीएफ की ये नारी शक्ति, हमारे देश की ये यशस्विनी। माँ भारती के जयकारे के साथ हम सभी तालियों की गूंज के साथ इन यशस्विनियों की सराहना करें जो कि है सीआरपीएफ की ओर से। जय हिंद जय भारत कहते हुए और अब इस राष्ट्रीय एकता परेड में
ऊर्जा एवं राष्ट्र प्रेम से सबर सुमधुर शानदार प्रस्तुति सीमा सुरक्षा बल महिला पाइप बैंड के द्वारा बीएसएफ में युवा महिला पाइप बैंड की संस्कृति का विकास करने के उद्देश्य के साथ महिला पाइप बैंड की 2016 में एसटीसी बीएसएफ बैंगलोर में स्थापना की गई। वर्तमान में एक टोली में 25 महिला आरक्षक पाइपर्स शामिल हैं। करने वाले सीमा सुरक्षा बल की ये थी महिला पाइप बैंड की प्रस्तुति। देश की सुरक्षा की सुनिश्चितता निर्भर है हमारी सीमाओं पर। देश की सीमाओं पर बसने वाले गांव कस्बे जो कि देश के आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव है और वे किसी भी तरह की विकासशीलता से वंचित नहीं रहे, ऐसा अति महत्वपूर्ण एवं अनूठा दृष्टिकोण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चलते फरवरी 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई,
जिसके उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पे जमीन से तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे भारत चीन सीमा से लगे अति दुर्गम 25 गांव से आए हैं 100 से अधिक युवा कलाकार, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं संस्कृति और अपने प्रदेश की खूबियों का करेंगे वर्णन। लद्दाख, सोलर एनर्जी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। Himachal Pradesh, horticulture and adventure sports. Binamul Vadiyon aur Pahadon evam Jhilon ka Pradesh, jahan par paryatakon ko aakarshit karta hai adventure sports aur wahan ki khoobi hai baagbani. फल ये है हमारा हिमाचल। Uttarakhand, religious tourism and touristic markets. Maa Ganga ki pavitra jal se pavan bhoomi, jo hai char dhamon ka dham, jahan lakhon ki sankhya mein shradhalu aakar japte hain bhole ka naam. पावन भूमि जहां पर धार्मिक पर्यटन की है अपार संभावना। मुख्य आकर्षण का केंद्र है टूरिस्टिक मार्केट। Yeah.
Sikkim, homestay and organic farming. कुदरत की ओर से हमारे देश को मिलने वाली अद्भुत भेंटों में से एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ सिक्किम, जहां पर विशेष आकर्षण है ऑर्गेनिक फार्मिंग। के लोगों का आतिथ्य भाव होम स्टे। Arunachal Pradesh, hydropower and eco-tourism. पृथ्वी को ऊर्जावान रखने वाले अरुण का जिस दिशा से होता है उदय, उसी दिशा में स्थित विद्युत ऊर्जा से ऊर्जावान ये है अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति आईटीबीपी के द्वारा। कलाकार जो भी पुकार रहे हैं मां भारती की जय,
यह विशेष वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाय टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. नृत्य निर्देशन डॉक्टर गिलेश लेंजवन एंड ललित तनेजा. और इस राष्ट्रीय एकता परेड में गुजरात पुलिस बल की 250 महिला कर्मी द्वारा प्रस्तुति, इसे पूर्णतः निहारने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ताल मिलाती हुई आगमन और अब एरोबिक्स एवं व्यायाम के संयोजन से ये प्रस्तुति. आप सभी से निवेदन है, आप LED स्क्रीन पर अपना ध्यान बनाए रखें. प्रधानमंत्री जी के स्वागत में शब्दों की छवि प्रदर्शित की जा रही है. शब्द वेलकम. और अब इस नारी शक्ति के द्वारा अपने बल की पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि है गुजरात पुलिस. गुजरात पुलिस की ये बेटियां और अब वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत देश के द्वारा विश्व मंच पर वर्ष 2023 में किए गए सम्मेलन के सफल आयोजन की झलक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे. G20 लोटस एवं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की ये रेप्लिका LED स्क्रीन पर आप निहार सकते हैं. विश्व के मंच पर G20 के सफल आयोजन के लिए अभिनंदन देती हुई गुजरात पुलिस की 250 महिला कार्मिक. और अब फिर से एक बार व्यायाम के संयोजन से अपना संकलन एवं जोश और जुनून दिखाते हुए
जोड़ने वाले लोह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिनके संकल्प की एक झलक यूनिटी। और अब एक भारत। इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस प्रस्तुति से एक भारत का संदेश देती हुई गुजरात पुलिस की ये बेटियां। अपना है दिल ये आज का। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा, जिसे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से साकार किया गया, जिसकी एक झलक यहां से प्रस्तुत करेंगे। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जिसने लहराया परचम, ऐसी बेनमूना चंद्रयान 3 की सफलता, तालियों की गूंज से हम सभी सराहना करें। गुजरात पुलिस 250 महिला कार्मिकों का। और अब आपके सामने भारत की आन बान और शान, तिरंगे की प्रतिकृति प्रस्तुत करते हुए द इंडियन नेशनल फ्लैग। लहराता हुआ हमारा परचम, हमारा तिरंगा, हमारी जान और हमारी शान, जिसकी सुरक्षा और सलामती के लिए समर्पित गुजरात पुलिस के द्वारा ये प्रस्तुति। और अब अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, जो कहते हैं रास्ते अनेक पर मंजिल एक, बोलियां अनेक पर आवाज एक, भाषाएं अनेक पर भाव एक, प्रथाएं अनेक पर मूल्य एक, पंथ अनेक पर लक्ष्य एक, समाज अनेक पर भारत एक, रंग अनेक पर तिरंगा एक, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक, हृदय में एकता और अखंडता के राष्ट्र का प्रण, होठों पर वीरता और कर्मठता का संदेश लिए एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा ये प्रस्तुति, जिसे कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे जी ने। एक भाव बोलिए, एक देश के लिए।
सम्मान है, ये मेरा स्वाभिमान है, भारत सर्वश्रेष्ठ है, हमको इस पे मान है। सम्मान के लिए स्वाभिमान को लिए, सम्मान के लिए स्वाभिमान को लिए, चंद्र से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो। को दर्शाती ये प्रस्तुति थी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। और अब आ रहे हैं प्रतिभावंत छात्र अपने स्कूल बैंड की प्रस्तुति के साथ। बॉयज एवं गर्ल्स बैंड की स्पर्धा में स्टेट लेवल पर विजेता होने वाले बैंड को मिलता है इस राष्ट्रीय एकता परेड में प्रस्तुति का अवसर। गर्ल्स बैंड में प्रस्तुति कर रही है विनर टीम स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की छात्राएं, जिनकी लीडर है कशिश राबड़िया। Thank you.
राष्ट्र प्रेम के सुरों से सबर कर रहे गर्ल्स स्कूल बैंड के बाद अब प्रस्तुति बॉयज बैंड की नन्हे मुन्ने छात्रों की, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, जो है जामनगर की सेंट जेवियर स्कूल के छात्र, जिनके लीडर है 9वीं कक्षा में पढ़ रहे अर्जुन संजय भाई मालन। सिपाहियों की हम सराहना करें, ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी इन बच्चों के द्वारा।
बैंड की ये भव्य प्रस्तुति के बाद अब भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के यूथ एवं कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा होने जा रही है विविधता में एकता की प्रस्तुति। भारतीय संस्कृति विश्व के लिए एक उपहार है जिसमें विविधता में एकता का प्रतीक है। यह करोड़ों लोगों और उनके सपनों की कहानी है। यह राज्यों में बहने वाली भावनाओं की शाश्वत यात्रा है। विविधता में एकता का यह नृत्य जो स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत को एक करने की समर्पण भावना दर्शाता है। 30 नृत्य दल, 400 कलाकार, विभिन्न नृत्य शैलियां, गरबा, शास्त्रीय नृत्य, कृषि नृत्य, पिरामिड्स, एक्रोबेटिक्स, मास्क, पशु नृत्य और परकशंस